तो जैसे कि आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल को हटाकर एक नई कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को फॉर्म किया था। अगर आपको ये अभी तक नहीं पता तो पहले पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करना। तो अब ये कमेटी फॉर्म होने के बाद सब लोगों के मन में यही क्वेश्चन था कि क्या फीफा इंडिया को बैन कर सकती है या नहीं। तो सबसे पहले तो फीफा के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की फुटबॉल फेडरेशन में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है, और अगर कोई भी कंट्री ऐसा करती है तो फीफा उनको डायरेक्टली बैन कर सकती है, और फीफा ने पास्ट में भी ऐसी कंट्रीज को बैन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जहां पर वो AFF के प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं और एक नई कमेटी बनाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की डेफिनेशन में जरूर आता है, भले ही सिचुएशंस कैसी भी रही हो। और इसी मैटर को अच्छे से समझने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए फीफा और AFC की टीम इंडिया आने वाली है। पहले इनकी विजिट 11 से 14 जून के बीच में शेड्यूल थी, लेकिन अब लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग फीफा और AFC 20 से 24 जून के बीच इंडिया आने वाले हैं। तो इस विजिट के लिए AFC ने अपने दो हाईएस्ट ऑफिशियल्स को चुना है ताकि वो फीफा के साथ मिलकर इस मैटर में ढंग से जांच पड़ताल कर सके। उन दोनों ऑफिशियल्स में से सबसे पहले हैं AFC के जनरल सेक्रेटरी दातुक सेरी विंसर जॉन, और दूसरे हैं AFC के डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी वाहिद कर्दनी, और इनके साथ फीफा की सीनियर मैनेजर सारा सोलमेल, जो कि बाकी मेंबर एसोसिएशन के इंचार्ज भी हैं, वो भी इनको ज्वाइन करने वाली है। न्यूज ये भी है कि ये विजिट इसलिए भी पोस्टपोन हुई क्योंकि AFC अपने टॉप ऑफिशियल्स को यहाँ भेजना चाहता था, जो कि दिखाता है कि इंडिया AFC के लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। तो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर SY कुरेशी ने तो फीफा और AFC की इस विजिट को वेलकम किया है, और साथ ही उन्हें उम्मीद है कि ये मीटिंग काफी ज्यादा प्रोडक्टिव रहने वाली है, और ताकि वो सबको समझा सके कि ये कमेटी क्यों फॉर्म हुई। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद काफी ज्यादा स्पेकुलेशन बनी हुई थी कि क्या इंडिया अपने AFC एशियन कप के क्वालिफायर्स के मैचेस खेल पाएगी या नहीं। तो अब तक जो भी न्यूज सामने आ रही है उससे तो साफ है कि इंडिया के AFC एशियन कप के क्वालिफायर्स के मैचेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब इंडिया अपने क्वालिफायर्स के सारे मैचेस कंप्लीट कर सकता है जो कि 8 जून से स्टार्ट होने वाले हैं और 14 जून तक खत्म होंगे। अब एक बार को फीफा के रूल्स को साइड रखकर सोचते हैं तो प्रफुल्ल पटेल का AFF की प्रेसिडेंट पोस्ट से हटना और कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का फॉर्म होना, ये हमारी इंडियन फुटबॉल की रेवोल्यूशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। अब ऐसा भी नहीं है कि इस कमेटी के फॉर्म होने से हमारी सारी प्रॉब्लम्स एकदम से दूर हो जाएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो भी डिसीजन लिया है ये इंडियन फुटबॉल की रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा स्टेप है। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो AFC के जो भी क्वालिफायर मैचेस हो रहे हैं उसमें इंडिया को सपोर्ट करना है। अभी इंडिया के मैचेस के टिकट की अवेलेबिलिटी का काफी ज्यादा इशू चल रहा है, लेकिन होपफुली 1 से 2 दिन में ये रिजॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद होप करना है कि AFC और फीफा की इंडिया के विजिट काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो और इंडिया को बैन करने की नौबत ही ना आए। तो ये वीडियो खत्म करने से पहले ये बता देता हूँ कि डेली अपडेट्स और ट्रांसफर रूमर से रिलेटेड वीडियोस पर काम चल रहा है और वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगी, तो उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई होगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। तो अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद।